गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, क्लास सिक्स एंड चैप्टर फोर्थ, द परफेक्ट लाइफ। डिफिकल्ट वर्ड्स, बल्क, बी यू एल के, लॉग, एल ओ जी, बल्ट, बी ए एल डी, शेयर, एस ई आर ई, प्रोपोर्शन, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन एस, मेजर्स, M E A S U R E S, word meanings, bulk, आकार में, B A U L K, oak, O A K, एक जंगली पेड़, oak, log, L O G, लकड़ी का लट्ठा, bird and share, B A L D A N D and share, S E R E, पत्ती रहित, proportions, P R O P O R T I O N S, अनुपात, measures, M E A S U R E S, उपाय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का पोइट कौन है, बेन जॉनसन। सेकंड है, Whom does the poet compare, कि poet है वो किससे compare कर रहा है, the poet compares an oak trees and a lily। third है हमारा, what is the life span of an oak tree, जो oak tree है वो कितने time तक अपनी life span करता है, answer है 300 year। fourth, which life is better, किसकी life अच्छी है, better है, a lily life is better, lily की life better है। फिफ्थ, व्हाट डज द ओक ट्री बिकम एट लीस्ट, जो ओक ट्री है उसका लास्ट में क्या होता है, द ड्राई, फर्स्ट इसका आंसर आएगा ड्राई, बेड एंड शेयर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोइट से अबाउट एन ओक ट्री, ओक ट्री के बारे में पोइट क्या कहता है, आंसर देखिए, द पोइट सेज एन ओक ट्री ग्रोज टॉल एंड लास्ट 400 years, बट इज नो यूज ऑफ यूज टू एनी वन। ये कहता है पोइट कि जो ओक ट्री है वो बहुत लंबा होता है एंड लास्ट 400 years, कि वो 300 साल तक रहता है, बट इज नो यूज टू एनी वन, और उसका कोई भी यूज नहीं करता है, वो किसी के काम का भी नहीं होता है। सेकेंड है, What do you mean by dry belt and shear? कि हमारा dry belt और shear से क्या मतलब है? The huge, strong and aged oak will soon become a lifeless. So too will be the fate of a man who is only blessed with long life and physical or material well-being. कि ये बड़ा है, द ह्यूज, बड़ा, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, एज ऑक ट्री, जो जंगली पेड़ है, विल सून बिकम, वो जल्दी ही लाइफलेस होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज लिली फेयर फार इन मे, आंसर है, लिली ब्लूम्स विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन इन द मॉर्निंग, जो लिली है वो खिलती है द फर्स्ट रेज ऑफ द सन इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग की जो पहली किरण होती है सूरज की, जो मॉर्निंग में सूरज की पहली किरण होती है वो उनसे खिलती है, एंड फेड्स एंड फॉल्स बाय द इवनिंग, प्लीजेस सो मैनी हार्ट, सो मैनी आईज, और फिर वो रात शाम के टाइम, इवनिंग शाम के टाइम फॉल्स, वो मर जाती है, गिर जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज लिली कॉल्ड अ फ्लावर ऑफ लाइट, कि लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट गिव्स आउट इट्स ब्यूटी इन द डे टाइम, क्योंकि जो इसकी ब्यूटी है वो दिन के समय होती है, एंड इवन दाउ इट डज नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं जीवित रहती है। फिफ्थ आंसर है, हाउ कैन लाइफ be made perfect in short measure, हमें short measure बताना है, the short life can be perfect, जो छोटी life होती है, जो कम समय वाली life होती है, can be perfect, वो perfect है, होती है, if it is eventful and if it's filled with beauty, और वह पूरी सुंदरता से भरी होती है। Sixth है हमारा, quality is better than quantity, जो quality है वो अच्छी है than quantity compare में, justify the statement, तो हमें ये statement justify करनी है, बतानी है, answer आएगा, a lily flower blooms for a day,
जो लिली फ्लावर है वो दिन के समय खिलता है, इट फिल्स द टाइम विद द शेयर ब्यूटी ऑन द अदर हैंड, और दूसरे शब्दों में एन ऑक लिव्स 300 ईयर्स बट इट इज नो यूज फॉर अदर्स। और जो हमारा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो हमारा ओक ट्री है वो 300 साल तक रहता है परंतु उसका कोई भी यूज नहीं करता है, वो किसी के यूज का नहीं होता है। इट मीन्स ग्रेटनेस इज नॉट ग्रोइंग इन साइज। रीड द राइट, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है आ ब्लैंक एंड मीनिंगफुल लाइफ इज फार बेटर शॉर्ट। सेकंड, द पोइट ब्लैंक अ लॉन्ग लाइफ ऑन ओक ट्री कंपेयर्स। थर्ड में है, ओक ट्री ग्रोस टॉल एंड लास्ट फॉर ब्लैंक ऑफ ईयर्स हंड्रेड्स। फोर्थ, अ लिली इज अ ब्लैंक लिव्ड शॉर्ट, इसमें शॉर्ट आएगा। फिफ्थ है, लिली स्प्रेड्स स्वीटनेस एंड ब्लैंक ऑल अराउंड, इसमें आएगा ब्यूटी। सिक्स है, लाइफ कैन बी मेड ब्यूटीफुल एंड ब्लैंक इवन इन अ स्मॉल लाइफ स्पैन, इसमें है परफेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अ पर्सन शुड नॉट ब्लैंक लाइक अ ट्री लिव। सेकेंड, ओक ट्री लिव ब्लैंक 100 ईयर्स 300 ईयर्स। थर्ड, एट लास्ट ओक ट्री बिकम्स ब्लैंक ड्राई एंड बेल्ट। फोर्थ, अ लिली इज अ ब्लैंक लिव शॉक। फिफ्थ, अ लिली इज कॉल्ड अ फ्लावर ऑफ ब्लैंक में क्या आएगा लाइट। सिक्स, इन अ शॉर्ट मेजर लिली ब्लैंक इट्स ब्यूटी ऑल अराउंड स्प्रेड। थर्ड है, सी पार्ट है टिक टी, इसमें हमें ट्री और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट, द लाइफ लाइक कैन ऑफ ट्री इज नॉट गुड, इसमें आएगा ट्रू। सेकेंड, ओक ट्री स्टैंड्स फॉर 300 ईयर्स, इसमें क्या आएगा ट्रू। ओक ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड लाइफ, फॉल्स। फोर्थ है, अ लिली इज कॉल्ड अ ट्री ऑफ लाइफ लाइट, फॉल्स। अ लिली इज वन ऑफ द रोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ, फॉल्स आएगा इसमें। सिक्स है हमारा, अ लिली स्प्रेड ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑल अराउंड, इसमें आएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्या है, आ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड्स सो लाइक और एज। एग्जांपल्स, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इसमें हमारा क्या है लाइक। द वाटर ऑफ द लेक वाज क्लियर लाइक क्रिस्टल। एंड हमारा आगे पार्ट है, राइट यस और नो फॉर द फॉलोइंग, उसमें हमें यस और नो बताना है। द कैमल is the ship of the desert, yes. Second, it is not growing like a tree, yes. Third, it drops as the gentle rain from heaven, isme kya aayega yes. Fourth aayega, I wandered lonely as a cloud, yes. Fifth mein hai, life is but a walking shadow, isme kya aayega yes. Sixth hai, she floats like a laugh from the lips of a dream, isme aayega hamara yes. जी पार्ट है हमारा, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो हमें नीचे वर्ड्स दिए हैं उनका हमें सिनोनिम्स बताना है। रेज फ्रोरर, सेकंड है हमारा प्राइज अवार्ड। थर्ड है स्पॉइल डैमेज। फोर्थ ट्रस्ट बिलीव। फिफ्थ है यूनिक इंडिविजुअल। सिक्स टारगेट गेन। रिरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। देखिए, फर्स्ट है हमारा निग्रो ग्रोइंग, सेकंड एटर ट्री, थर्ड है उबल्क बल्क, फोर्थ है हमारा अंडरित, उसमें आएगा हंड्रेड। एंड फिफ्थ है हमारा अफेयर फेयरर। सिक्स एट नल प्लांट। सेवंथ है रोफल फ्लावर। एंड इसको हमें क्या है, हमें इसको अरेंज करना है कि इसे हमें कैसे इसको एक शब्द बनाना है, वो हमें इसमें दिया हुआ है। ग्रामर प्रैक्टिस में क्या आएगा, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्संस लाइक अ हर्ड ऑफ कैटल, अ कैटल अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स ऑफ यूक्वेयर of arrows etc. Example, the class was most interested in the project assigned to it.
मैच द कलेक्टिव नाउन विद द करेक्ट वर्ड्स, हमें इसे नाउन्स में मैच करना है. फर्स्ट है अ शीप ऑफ, अ शीप ऑफ हमारा आएगा आई, आई में मैच करना है. सेकंड अ स्कर्डन ऑफ, इसमें हमें जी से मैच कर देना है. थर्ड अ फॉरगॉट ऑफ, इसको हमें एच से मैच कर देना है. फोर्थ को अ सूट ऑफ, इसे हमें आई से मैच करना है फर्नीचर से. फिफ्थ अ क्लम्प ऑफ, इसे जे से मैच करना है ट्रीज से. सिक्स है अ प्लग ऑफ, ई से हमें करना है लॉक्टस से. सेवन्थ है अ शॉल ऑफ, इसे हमें डी से मैच कर देना है फिश से. एंड एट्थ है अ कोऑपरेटिव ऑफ, इसको हमें सी से मैच कर देना है वुमन लेवर्स. नाइन्थ है हमारा अ कैबिनेट ऑफ बी मिनिस्टर्स. टेंथ है अ ड्रॉ ऑफ, इसको हमें ए से ऑप्शन से मैच कर देना है. एट द सफिक्स नेस टी एच ई एन सी ई डूम टी शेप और आई आई ओ एन टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज वर्ड्स, हमें ये सब लगा देने हैं. स्वीट में हम क्या लगाएंगे, एन ई डबल एस स्वीटनेस. सेकेंड है ट्रू, ट्रू में हम टी एच लगा देंगे ट्रूथ. थर्ड है हैप्पी, हैप्पी में हमें लगाना है आई एन ई डबल एस लगा देंगे वाई को करके. फोर्थ फ्री, फ्री में हम फ्रीडम कर देंगे डी ओ एम, डी ओ एम लगाना है. फिफ्थ ग्रो, ग्रो में हमें टी एच लगाना है ग्रोथ. रियल, रियल में हमें आई टी वाई लगा देना है रियलिटी. सेवन्थ काइंड, काइंड में हमें एन ई डबल एस लगा देना है काइंडनेस. ओबे, ओबे में हमें आई ई एन सी ई लगा देना है ओबीडियंस. नाइन्थ है यंग, यंग में हमें टी एच लगा देना है ओ वाई ओ यू टी एच यूथ. एंड टेंथ है हमारा डिफेंड, तो हमें इसमें सी ई लगा देना है डिफेंस. A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male. जो masculine gender है वो हमें बताता है male के बारे में, जैसे son, brother, father, husband, etc. are nouns of the masculine gender. ये सारे हमारे masculine gender हैं. A noun is said to be in the feminine gender if it refers to a female. Feminine जो gender होते हैं वो हमें female के बारे में बताते हैं. For example, आंटी, सिस्टर, मदर, वाइफ एक्सेट्रा आर नाउंस ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. ये सारे हमारे फेमिनाइन जेंडर हैं. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग जेंडर ऑफ द नाउंस. द डक वांटेड टू लर्न पेंटिंग फ्रॉम द मास्टर, इसमें कैसे करना है. द डचेस वांटेड टू लर्न पेंटिंग फ्रॉम द मास्टर. सेकेंड है द वेटरेस वेलकम्ड द वुमेन इनटू द रेस्टोरेंट. The waiter welcomed the man into the restaurant. Third है, the spared asked the landlord to lend him some money. The spared asked the landlady to lend her some money. Fourth में, the tiger ate the daughter of the washerman. इसमें the tigress ate the son of the washerwoman. The empress announced her hair. The emperor announced his hair. Six, the horse kicked the woman badly. The horse ko hum change karenge mayor mein. The mayor kicked the man badly. Seventh, Mr. Rawat and Mr. Parihar went for shopping. Mrs. Rawat or Mrs. इसको हमें जो मिस्टर से मिसेज में कन्वर्ट कर देना है. एट्थ में द हीरोइन ऑफ द मूवी वाज वेरी ब्यूटीफुल, इसको हमें जो हीरोइन है उसको हमें हीरो में कन्वर्ट कर देना है. हर हस्बैंड तो हर है तो उसको हमें हिज में कन्वर्ट कर देना है हिज वाइफ. टेंथ में है द बॉयज वर प्लेइंग विद अ पीकॉक, द बॉयज है तो उसको हमें गर्ल में कन्वर्ट करना है. द गर्ल वर प्लेइंग विद अ पीहन.